Hey guys, welcome back to our channel. So welcome to Bali and this is day 2 and we are going to Finn's Beach Club. So आज हम पूल पार्टी करने जा रहे हैं और दर्श भी रेडी हो गया है पूल क्लब में. तो देखते हैं कैसा रहता है हमारा दिन. दर्शु, दर्शु, having breakfast on the go. Oh my god. और हमने ग्रैब के थ्रू अपनी टैक्सी की है तो हमारी टैक्सी ये खड़ी और ये सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं. हम लेट हो गए थोड़ा सा. तो होटल से हम सुबह सुबह निकल गए थे तो हमने अपना ब्रेकफास्ट पैक करा लिया था. तो वहाँ पे ये बहुत अच्छी सर्विस थी कि वो आपको अपना ब्रेकफास्ट पैक करके दे देंगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो अगर आपको सुबह सुबह जाना है. सो यू जस्ट नीड टू रिक्वेस्ट दिस ऑन द डेस्क तो वो जाके आपको अपना पैक्ड ब्रेकफास्ट दे देते हैं. तो हमने दर्श की वजह से ब्रेकफास्ट पहले ही पैक करा लिया था. तो कुछ फ्रूट्स थे, कुछ फ्राइज़ थे, पोटैटो वेजीज थी तो उसने वो सब खा लिया था. तो आप देख सकते हो हम यहाँ के सी लिंक से जा रहे हैं. इट्स टाइप ऑफ यू नो शॉर्टकट जैसे एक्सप्रेस वे टाइप्स होते हैं. तो यहाँ व्यू इतना प्यारा था, सारे बादल इतने अच्छे दिख रहे थे, ब्लू स्काई एज ऑलवेज बाली में तो सारा स्काई वॉज ब्लू. एंड हम यहाँ से शॉर्टकट लेके अपने डेस्टिनेशन पे जा रहे थे जो कि है फिन्स बीच क्लब जो कि सेमी यांग में है और हमारे होटल से उसका डिस्टेंस था अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स और यहाँ से वहाँ तक का टाइम था 45 मिनट्स. और ये वर्ल्ड का फेमस बीच क्लब माना जाता है तो चल के देखते हैं हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहने. तो हम फिन्स बीच क्लब पहुंच गए. बहुत भीड़ थी और हमने इंस्टाग्राम पे बहुत सुना था ये वर्ल्ड का बेस्ट बीच क्लब है. तो हम फैमिली के साथ आए हुए थे तो दर्श के लिए हमें कुछ ऐसा ही चाहिए था. यहाँ पे बहुत सीरेनिक व्यू था, बहुत ही बड़ा बीच क्लब है ये. सिर्फ यहाँ पे पूल्स हैं, बीच व्यू है तो ये एडल्ट पूल था इतना बड़ा. और हमने VIP सेक्शन में अपने लिए एक काउच लिया क्योंकि वी वर 6 पीपल एंड हमें पूरा दिन वहाँ पर स्पेंड करना था. तो यहाँ पर आप पार्टी के लिए आ सकते हो. देयर वर बूज, देयर वाज डांसिंग, ये देख सकते हो आप. यहाँ पर काउचेस भी लगे हैं पूरे व्यू के लिए, बीच व्यू के लिए. तो VIP सेक्शन में हमें काउच मिला. वहाँ पे बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था. गणेश जी थे इन द एंट्री एंड जहाँ पे हमारी सीट थी वहाँ पे भी. ये चाइल्ड पूल है आप देख सकते हो. 25,000 की आइसक्रीम खा रहे हो? 25,000 की आइसक्रीम. वेलकम ड्रिंक में हमें ये मिमोसा सर्व किया गया था विच वी रियली लाइक्ड. तो हम आगे बढ़े तो वहाँ पे स्क्रीन जहाँ पे लगी हुई है वहाँ पे डांसिंग डेक है. वहाँ पे DJ वॉज प्लेइंग अमेजिंग सॉन्ग्स. यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में गणेश जी की मूर्ति थी, बुद्धा की मूर्ति थी. इतनी ज़्यादा धूप होने के बाद भी इतना प्रिटी लग रहा था, इतना ज़्यादा हैपनिंग प्लेस थी. मैंने इससे अच्छा बीच क्लब कभी ही नहीं देखा एंड एक्चुअली इट वॉज़ वर्ल्ड्स बेस्ट बीच क्लब. और सबसे ज़्यादा मज़े किए दर्श ने. ही रियली लाइक्ड स्विमिंग देयर एंड उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था स्विमिंग करने का. बट उसको देखो कितने मज़े आ रहे हैं. तो हम लोगों ने वहाँ पे अपने काउचेस ले लिए और काफ़ी सारी बूज ऑर्डर की. और ये वहाँ का बीच फ्रंट था, कितना प्रिटी लग रहा है. शाम को ये सनसेट के लिए लोग यहाँ पे सीट ले लेते हैं एंड और ज़्यादा प्रिटी हो जाता है सनसेट यहाँ पे. तो डेफिनेटली आप भी आ सकते हैं. तो ड्रिंक्स हमने ऑर्डर की, कुछ शॉट्स और येगर बॉम. और पूरा दिन इंजॉय करने के बाद अब हो चुकी थी रात और रात को पार्टी ऑल टाइम हाई पे थी. तो हम भी यहाँ पे डांस फ्लोर पे आके अपना इंजॉय करने लगे. हमने खूब डांस किया, बहुत ही मस्ती करी और देख सकते हैं कि हम यहाँ पे बहुत सारे लोग डांस कर रहे थे डांस डेक पे. और ये सत्तू का डांस देखिए ये. और हमने काफ़ी इंजॉय किया और इसके बाद अल्टीमेटली वहाँ पे थोड़ा सा पुलिस की रेड पड़ गई थी. सो पुलिस की रेड सिर्फ गुड़गांव दिल्ली में नहीं पड़ती, बाली में भी पड़ती है रे बाप. तो पुलिस की रेड पड़ने के बाद फिर हम भी वहाँ से निकल गए थे एंड इट वाज अराउंड 11 in the night. तो हम अपने होटल की तरफ निकले और आफ्टर दैट हमने यहाँ पे फिर से कुछ फ़ोटोज़ वगैरह शूट करी, नाइट व्यू को शूट किया. एंड आप देख सकते हैं कि सिर्फ हम नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ से बाहर जा रहे थे. अगर हम बात करें बजट की तो हमने अपनी टेबल 25,000 रुपीज़ में बुक करी थी जिसमें फ़ूड एंड ड्रिंक्स इंक्लूडेड थी. बट 25,000 इज़ नॉट इनफ फॉर फिन्स. हमारा टोटल बिल आया 55,000 का बिकॉज सारी चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव थी कि वो 25,000 से ऊपर ही जाता है आपका बिल. और जब हम यहाँ बाहर आए तो हमारा हमने देखा कि यहाँ तो पुलिस का पूरा कारवा लगा हुआ था जिसकी वजह से हमें टैक्सी मिलने में भी काफ़ी देर लगी. अगर बात करें हम अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस की, ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड. इट्स अ थम्स अप फ्रॉम आवर साइड. बट बहुत एक्सपेंसिव था, हमारा बिल आया 55,000 रुपीज़. तो आप कभी भी फिन्स पे आएँ तो सतर्क रहें, सावधान रहें. जय हिंद.